ऐसे कॉन्सेप्चुअल बहुत आते हैं, आपको ना ऐसा डायग्राम देगा, कई बार तो ये कंपटीशन के अंदर भी आ जाते हैं और एनसीईआरटी के अंदर बोर्ड के अंदर तो बहुत आते हैं, जिसके अंदर एक बल्ब है, एल है, आर है और ये बैटरी है, और आपने इसको स्विच ऑन किया, वो पूछेगा जब आपने इसको स्विच ऑन किया कौन सा बल्ब पहले जगेगा और कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइट होगा। तो जब आप इसे ऑन करेंगे करंट दौड़ेगा बैटरी में से, 0, 1, 2, 3, 4, मान लो 5 एम्पियर उसको होना है, तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। जैसे इसमें गया, ये कहता देखो मेरा नाम तो रजिस्टर है, मेरे को तो फर्क पड़ता नहीं, मैंने इंड्यूस करंट तो पैदा करने नहीं है, तो मोस्ट वेलकम, तुम आओ मेरे अंदर से पास हो जाओ, बात खत्म। लेकिन ये कहता है ऐसे कैसे पास कर दोगे यार तुम मेरा करंट, तुम मेरे, मैं तो आराम से बैठा हूँ, मेरे अंदर तो करंट है ही नहीं, तुम मेरा फ्लक्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो मैं झगड़ा करूंगा। और झगड़ा करने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, मैं इंड्यूस ईएमएफ पैदा करूंगा और तुम्हारे करंट को एंटर करने से रोकूंगा। अब जितनी देर में ये झगड़ा करेगा, करंट को तो पास होना ही है, वो सारा करंट कहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्टर में से, इसमें से होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें तो पूरा रास्ता क्लियर है, तो करंट इसमें से पास होगा, तो कौन सा बल्ब पहले जगेगा, बी टू, सही है, और कौन पहले ब्राइट होगा, बी टू, क्योंकि सारा करंट तो बी टू ही ले गया, तो ज़्यादा ब्राइटनेस भी बी टू की आएगी। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इसमें जाने में टाइम लगेगा। अब वो क्वेश्चन कहता है कि भाई थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बहुत देर के बाद क्या होगा, बैटरी कहेगी देखो मेरा करंट जो मैक्सिमम होना था वो हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एम्पियर मैक्सिमम हो गया, अब मैं और करंट को बढ़ाऊंगी नहीं। जैसे ही इसको पता लगता है करंट बढ़ेगा नहीं, तो ये कहता है ठीक है मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं हूँ ना हूँ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इंड्यूस ईएमएफ तो पैदा करना नहीं, मेरा कोई झगड़ा तो है नहीं, तुम अब मोस्ट वेलकम मेरे अंदर भी करंट पास करो। तो फिर ये स्टेडी स्टेट पर हो जाएंगे और दोनों बल्ब जो है इक्वली ब्राइट स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो ये पूछ रहा है, वो पहला यही पूछ रहा है कि कौन सा अर्लियर और ब्राइट होगा। तो पहले केस में स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही बल्ब नंबर बी टू आंसर है। दूसरे केस में विल द टू बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, तो हाँ ये इक्वली ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, जब करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है तो दोनों में करंट बराबर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, फिर इक्वली ब्राइट हो जाएंगे, बात ही खत्म है। तो ऐसा इसका बिहेवियर है, ऐसे बल्ब लगा लगा के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा।